रशु? पार्क नहीं जा रहे बेटा। रशु को पूछो, रशु कहाँ जा रहा है? रशु कहाँ जा रहा है? पार्क। सो गाइज वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि रशु को अभी भी पूरा आराम नहीं आ पा रहा है। कल आए तो उन्होंने कहा था कि अगर रशु को ठीक ना हो तो उसको एक डॉक्टर का नंबर दिया है वो, लेकिन रशु ने आज चोटी बनाई। रशु चोटी दिखा दो, चोटी दिखा, चोटी अपनी पोनी दिखा, पोनी पोनी दिखा, कहाँ पीछे है, कहाँ पे है, ये देखो। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 11। रशि काव कैसे करती है काव? तो हम लोग ना गाइस, ये जो रोड है ये हम लोग अभी जा रहे हैं डबल पुलिया। तो यहाँ से होके मैं अपनी कोचिंग जाता था, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग का शौक मुझे 11वीं 12वीं में लग गया था। तो यहाँ से सीधा जाके एक ना अखबार की दुकान होती थी। तो पहले क्या था कि अखबार की दुकानों में मैगजीन वगैरह रहती थी, तो हम लोग वहाँ पे अपनी स्कूटर खड़ी करके मैं बॉडी बिल्डिंग वाली मैगजीन पढ़ता था कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करते हैं, काफ की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, ट्राइसेप का कैसे कैसे करते हैं। ले लीजिए, वो जमाना था जब इंटरनेट नहीं था, देन स्टिल वी वर हंग्री फॉर नॉलेज। रशि हम लोग कहाँ पे आए हैं? पार्क नहीं बेटा, डॉक्टर। डॉक्टर रशु को दर्दी हो रहा है? अभी भी दर्दी है हाथ में? रशु है दर्दी है? कौन से हाथ में दर्दी है बेटा? इस वाले हाथ में दर्दी है, बता रहा है। कहाँ पे दर्दी है दिखाओ, कहाँ पे दर्दी है? क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर कह रहा है इसको फ्रैक्चर है, हल्का सा एल्बो टूटी हुई है, सूजा हुआ है इसका पूरा, सूजा हुआ है यहाँ से एल्बो हल्की सी टूटी हुई है। रशु ठीक हो जाएगा बेटू, बहुत भादुर बच्ची है। अंकल कहते हैं बहुत ब्रेव बेबी है, बहुत ब्रेव बेबी। दस दिन के बाद हमको लगा था कि एल्बो डिसलोकेशन है, बट डिसलोकेशन नहीं है। मैंने भी डॉक्टर करा था, मेरे को प्रॉब्लम आई कानों में, तो मेरे को ना अपने कान फिक्स कराने। क्या प्रॉब्लम है? मेरा डॉक्टर साहब मेरे को मास्क की साइज का नहीं आता, तो मेरा ये कान निकाल के थोड़ा आगे बढ़ दीजिए ताकि बहुत अच्छे से आ जाए। वो तो ठीक है, उसको पीछे बैठा सर, लेकिन बच्ची तो छोटी बच्ची है। थोड़ी कह रहे हैं कि आप बच्चे केवल अकेले बैठो, आगे ड्राइविंग सीट में केवल जो गाड़ी चलाए। तो ये बात हमको नहीं पता थी, अगर आप किसी इमरजेंसी काम से भी बाहर निकले हैं तो फोर व्हीलर में दो आदमी अलाउड है, आगे एक बैठेगा एक पीछे बैठेगा, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग गाड़ी में भी। लेकिन घर जाके फिर क्या, अलग अलग घर जाके कैसे करेंगे? लेकिन मैंने गाइस अभी रियलाइज किया कि कल के मेरे वीडियो में मैंने रितु राठी को टैग किया था यूट्यूब पे, वो गलत रितु राठी को टैग कर दिया मैंने, और पतियों को पता ही नहीं है। और जिस रितु राठी को टैग किया उस रितु राठी के 8000 सब्सक्राइबर भी होगा, उसका एक भी वीडियो नहीं है यूट्यूब पे, उसने खोला ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा। ये जो लाइन है पता कौन सी लाइन है? कानपुर झांसी लाइन है ये। सो दिस साइड इट गोज टू कानपुर, दिस साइड इट गोज टू झांसी। तीन टू तीन था पर क्या था ये? कल के व्लॉग में जो मैंने कहा था कि तुम मुझसे गुस्सा हो, क्यों गुस्सा हो, मैं रीजन तुम्हें बताऊंगा ना, उसका एक रीजन है। हाँ, क्या रीजन? मैं तो रीजन ही मैं कैमरा में डिस्कस कर सकता हूँ। जब लड़ाई होती है तो पत्नी उसका गुस्सा होती है, तो खुश होगी उसके बाद। वाह, मैं सही में बताऊँ डेफिनेटली मैं तो लगता नहीं था कि तू अभी मेरे लिए इनसिक्योर होता। कभी पता जेलस पति एक्ट नहीं किया, थोड़ी बहुत तो देख सबको होती है, बट तेरे साथ मेरा ट्रस्ट फैक्टर इतना है कि तू मेरे को कभी हुई नहीं। हमने इस डायलॉग से खरीदी अपने दोस्तों की शांति। ये देखो क्या किया, ये देखो प्लस्तर चढ़ा हुआ, लेकिन ये सीढ़ी पे चढ़ना है इनको। ये मेरी बहुत ही पुरानी अटैची है, खड़गपुर गई थी, देखो चांदी का गिलास घूम गया था, देखो ये रशि का गिलास, ठीक है रशि, दिस इज अ गोरिल्ला, गोरिल्ला। फैन कहाँ पे? फैन ओ उस आपने किताब दी, मैंने कहा फैन कहाँ है? फैन ऊपर फोटो है, शादी की खिंचवाई थी ना,
जो मम्मी को भेजी थी हाँ. तो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी, पीछे लेकिन कलर कागज लगवा दिया. लेकिन लग रही कलर है ना, लग रही कलर है. लेकिन ये पीछे अखबार का, ओ अखबार का कलर का. फिर आपने फोटो देख के हाँ कर दिया था? नहीं, हमने फोटो देख के हाँ नहीं किया था. पापा आए थे देखने के लिए. तो मेरे पापा जी नहीं गए थे साथ में. उन्होंने कहा तुम लोग देखा पसंद आएगी फिर जाएंगे रिश्ता पक्का करने. तो हम लोग गए, पापा जी नहीं थे. तो मतलब वैसे ही मुँह से वहीं पे हाँ निकल गई. पापा ही नाराज हो गए. किसके मुँह से हाँ निकल गए? आपके? इन लोगों को छोड़ दो, मतलब आपस में बात करने दो. तो मैंने पापा से बोला कि मैं ना मैं बीएड कर रही हूँ लेकिन मैं नौकरी नहीं करूंगी. मैंने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी. तुम पे कोई दबाव तो नहीं है घर वालों का? अपनी मर्जी से कर रही हो कि कोई दबाव तो नहीं है? मैंने फिर ये बोला कि मेरा घर बहुत छोटा सा है. तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं. फोटो ये बॉम्बे के ना मरीन ड्राइव की है. तो ये तब की फोटो है जब पापा का कच्चा खो गया था यहीं पे. ये तो गोवा बीच की है. बाहर कैसे आया? समुंदर में गया पापा. अच्छा. कच्चा बदलना है? एकदम से लहर आई, पुराना वाला छूट गया, हाथ से मैं गिर गया. तो जब तक वो उतार रहा था वो ढीला हो गया. दिख रहा था मेरे को दूर जा. मैं बी एस सी कर रही थी तब थी ऐसी. रशियो स्वाति बुआ. ये मेरी फोटो है. ये ढाई साल का था, दो साल का. ये मेरी मुंडन वाली फोटो है. ये 86 में होता, 89 रशियो पे ऐसी होती है बिल्कुल. देखो कौन है ये? ये देखो पापा. मेरी सास ने मुझे दिया था शादी पे. देखो इसमें पापा देखो कितने वो लग रहे हैंडसम. देखो क्या यार ये टोनी शादी में भेजी थी. शादी में भेजी गई. अच्छा मम्मी की तरफ से ही भेजी गया आई थी तरफ से वाली. इसी को देख के नहीं हो मेरी 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 चीज तो सही लग रही है. शोभानाज भी ऐसी दिखती थी. हाँ असली में होटे पता सही में मेरे को भी लगता है मम्मी की शिकायत. पापा बुआ कौन है ये? पापा बुआ. एक बार मैं ना पोस्टिंग थी लुधियाना मेरी. बुआ मेरी वहीं रहती लुधियाना में. तो उनसे मिलने गए. तो पता लगा वो चाचा के लड़के और पूरी फैमिली आई हुई थी. तो वो वहाँ पे रुके हुए थे 4-5 दिन हो गए थे. मैं मिलने गया उनसे. भाई चलो शाम को मिलाते हैं जाने वाले हैं. तो बुआ ने कहा शाम को चले जाएंगे वो. तो फोन आया तो मैं गया शाम को मिलने. मिठाई उठाई लेके अपना मिलने गए. सब उनकी अटैचियाँ वगैरह तैयार थी सारी जाने को तैयार. तो जैसे ही मैं गया तो बोले वो पूछने लगे वीर जी वो ट्रेन कितने बजे जाती है? मैंने कहा वो तो 4:45 का टाइम है शायद निकल जाती है. तो कहता है टाइम क्या हो गया? मैंने कहा 4:30 तो बज रहे हैं. तो कहता है पहुंच जाएंगे 4:30 बजे 4:45 बजे. मैंने कहा आप कहाँ पहुंच पाओगे? अब कहाँ जा सकते हो तुम? कहता है अच्छा नहीं पहुँच पाएंगे. तो कहता है फिर क्या करें? तो मैंने कहा अब क्या कोई ऑप्शन नहीं है रुक जाओ. कहता है अच्छा रुक जाए. तो मैंने कहा और क्या करोगे? चलो फिर अपनी बीवी बोलता है चलो फिर रुक जाते हैं. जाने का ही नाम नहीं ले रहे. तो बुआ को फोन किया नेक्स्ट डे चले गए. कहती है नहीं अजय के थे. वो स्टेशन मास्टर दो अपने असिस्टेंट लेके आ गया और वो लेडी पकड़ी गई. भैया वहाँ का स्टाफ सारा भगा वहाँ से. छोटा था ये. मैंने कहा तुम कब चले गए? कहता पापा ये सबसे पैसे मांग रही थी. हाँ लेकिन एक्चुअली क्या था तो पापा बता रहे थे स्टोरी की वेटिंग रूम के बाहर लेडी पैसे ले रही थी. तो मैं चला गया लेकिन वहाँ उसमें लिखा था कि अगर कोई भी रिश्वत मांगता मिले तो फॉर्म भर दीजिए कंप्लेन वाला. क्या स्टोरी है? नहीं ये जब बोर्ड का एग्जाम देने जाता था ना रेडियो के जाता था यहाँ से तो ये आगे दुकान पर रुकता था. पान की छोटी सी दुकान थी. तो मैं ना यहाँ जब तक ये जाता था मैं ऐसे करके देखती रहती थी कि ये कहाँ रुका इसने क्या लिया. फिर आगे जाता था. आगे पापा बताएं. हाँ तो उसके बाद फिर हम लोग ये मेरे से बोली कि ना ये जाता है ना एग्जाम देने तो मैंने देखा इसको यहाँ रुकता है पान की दुकान पे. तो देखना है मसाला वसाला खाता होगा. तो हम लोग फिर गए दुकान पे पता करने. हाँ मैंने कहा आता है सोरे लड़का तो क्या लेता है वो? कुछ नहीं चुटकी खरीदता है. ये जब IIT पढ़ता था ना उस समय पापा दुबई में होते थे. तो एक बार पापा आए दुबई से एक तो मैंने इनको बोला ये कहते छोड़ो. मैंने कहा जाके देखो ये वहाँ पे IIT गया हॉस्टल में ये पढ़ाई कर रहा है या कुछ और करता है. कहते अरे छोड़ो नहीं. मगर नहीं जाना तो पड़ेगा इसको भेजा मैंने. पापा मम्मी अलग तरीके की जासूसी करते थे. आओ हाँ हाँ मेरे गाय को तो रोटी देना बेटा.